प्रभात बच्चों, आज मैं आपको जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था पोंगल, उसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मैंने चित्र बनाने के लिए दिया था पोंगल का, और शब्दार्थ लिखने के लिए दे दिए थे ना, आपने कर लिए। आज हम पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में त्योहारों के बारे में बताया गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है, इस कारण भारत में जितने भी या ज्यादातर जो त्योहार मनाए जाते हैं वो त्योहार फसलों से संबंधित किसानों के साथ होते हैं। तो जहाँ किसान अपनी पकी हुई फसलों को देखकर जो खुशी व्यक्त करते हैं, वही खुशी उन उत्सवों के मनाने का मूल कारण है। उत्सवों के मनाने का मूल कारण अर्थात जो त्योहार मनाते हैं उसके मूल में, उसकी जड़ में, उसके उत्पन्न होने में, उसके बनाने के तरीके के लिए होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें पोंगल के त्योहार के बारे में बताया गया था कि पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, 4 दिन मनाया जाता है, 4 दिन की व्याख्या की गई थी और किस तरह से किसान अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। पोंगल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में आहुति देने के लिए हवन कुंड की आवश्यकता होती है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वैसे ही मीठे कोई भी मिठाई के साथ, मीठे के साथ हवन कुंड में आहुति दी जाती है, जो सूक्ष्म रूप से हमारे परमात्माओं के पास पहुंचते, जितने भी देवी देवता हैं उनके पास पहुंचते। ऐसे ही पोंगल में जो चावल पकाए जाते हैं, मीठा भात बनाया जाता है, वह मीठा भात उफन कर जब अपने आप से उफन कर उस अंगीठी की अग्नि के ऊपर गिरता है, तब अपने आप से सूर्य भगवान को भोग लगता है। इस तरह से पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। अब हम पाठ के लेसन के क्वेश्चन आंसर लेंगे। सबसे पहले है पाठ से प्रश्न नंबर 1। पोंगल का त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, आया ना आपके इस चैप्टर में भी। तो पाठ के आधार पर तालिका भोग, जैसा आपके पाठ में बताया गया, आधार मतलब उसके अनुसार, तालिका मतलब सूची, ये जो क्रमबद्धता का जो डिजाइन किया गया सूची, इस सूची को बोलते तालिका, तालिका के हिसाब से। तो हम वैसे ही इसको प्रश्न नंबर 1 कह लेंगे, और कह लेने के बाद क्वेश्चन आपको जो रहेगा वो आप क्वेश्चन लिखिए। और देखो अब ये जो क्रम संख्या वो तो यही रहेगी, ठीक है ना, तो हम 1 2 3 इसमें लिख लेंगे, ठीक है। और इधर हम राज्यों के नाम लिखेंगे और यहाँ पर हम त्योहारों के नाम लिखेंगे, त्योहार का नाम, क्योंकि एक राज्य में एक ही त्योहार मनाया जाता है, तो इसी तरह त्योहार का नाम। अब हमको इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम उसको पूरी तालिका बनाए, डायरेक्ट लिख सकते हैं वन राज्य, जैसे दिया है इसमें तमिलनाडु, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जो त्योहार का नाम है वो है पोंगल। क्या है? पोंगल। एक ही त्योहार को अनेक रूपों में मनाया जाता है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो पूरे ही जगह फसल उगती है, तो फसल का जो खुशी है अपने अपने राज्य के हिसाब से लोग, क्योंकि एक ही फसल तो सब जगह उगती नहीं, सब जगह धान नहीं होता, सब जगह गेहूं नहीं होता, मौसम के हिसाब से फसलों का निर्माण होता है, फसल उपजती है, तो इसलिए वहां पर अलग अलग फसल होने के कारण अलग अलग नाम दिए जाते हैं, मनाने का थोड़ा सा तरीका भिन्न होता है, ठीक है ना। फिर देखो गुजरात से बंगाल, गुजरात से बंगाल, इसमें जो त्योहार मनाया जाता है उसका क्या नाम है? संक्रांति, संक्रांति। तीसरा है पंजाब, पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, लोहड़ी, ठीक है। फोर्थ टॉपिक दिया है इसने महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में यह त्योहार गुड़ तिल के नाम से जाता है, तिल गुड़ के नाम से जाता है, तिल गुड़। और फिफ्थ नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पानू, अने के नाम पानू के नाम से मनाया जाता है, ठीक है, समझ गए। प्रश्न नंबर 6, पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है, प्रत्येक दिन की मुख्य क्रियाकलाप
चार दिन मनाया जाता है ना, कौन कौन से? पहले पहला दिन क्या मनाते हैं? पहले दिन तो सब लोग सुबह उठते हैं, अपने घर को साफ सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और इस तरह से शाम को बच्चे ढोल नगाड़े बजाते हैं, उसको भोगी के त्योहार के नाम से जानते हैं। दूसरा, वो सुबह उठते हैं, चारों तरफ रंगोली सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, बर्तन में हल्दी का गांठ पाटते हैं, उसमें चावल और दूध के साथ शक्कर गुड़ के साथ, गुड़ का जो रस होता है उसके साथ पकाते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, उसको बोलते हैं पोंगल। ठीक है, फिर आता है तीसरे दिन माटू पोंगल मनाते हैं, जो कि बैलों और गायों से संबंधित है, और बैलों के सींगों को रंगा जाता है, उनके ऊपर रंगीन धागे बांधे जाते हैं, और शाम को बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथा है, चौथे दिन कानून पोंगल मनाता है, सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए खाना बांधकर पूरा परिवार एक जगह जाता है, जगह जगह मेले लगते हैं, और इस तरह से आसपास के स्थान देखने के लिए सभी लोग चले जाते हैं। इस तरह से त्यौहार पूर्णता की ओर बढ़ता है। ठीक है ना, तो आप अब लिखिए, पोंगल चार दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है ना, तो प्रत्येक दिन के मुख्य क्रियाकलाप बताओ। तो हम अब एक ही पहले ग्राफ में लिखेंगे चार दिन का जो नाम है उनको, और उनके साथ साथ जो काम है उनको। आप पहले से धीरे धीरे कर दो, जिससे कि आपको आराम से लिखने आए। प्रश्न नंबर 1 का है, प्रश्न नंबर 1 का खे है ये, इसका उत्तर। पोंगल, जैसा कि आप क्वेश्चन में बताया, चार दिनों तक मनाया जाता है, तो चार दिन का त्योहार है, चार दिन का त्योहार है पोंगल, चार दिन का त्योहार है। पहले दिन भोगी, इसको सिंगल इंपॉर्टेंट कॉमा में लिख लो, जिससे आपको नाम का कंफ्यूजन मिले। भोगी, पहले दिन भोगी त्योहार मनाते हैं, भोगी त्योहार मनाते हैं। पहले दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? भोगी त्योहार मनाते हैं। ठीक है, उस दिन क्या होता है? घर की साफ सफाई की जाती है। देखो, घर की साफ सफाई करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। और क्या होता है? शाम को बच्चे ढोल, अब देखो इस ढोल के नीचे नुक्ता नहीं लगाते, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, डे और ढे से कभी भी वर्ड की, कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ठीक है ना, तो ये शब्द की शुरुआत है, इसलिए कभी भी नुक्ता नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रखना। बच्चे ढोल और बाजे बजाकर, बाजा और ढोल मतलब होता है, आपने ढोलक देखे, दोनों तरफ से बजाए जाते हैं, और बाजा मतलब डम डम बजाते हैं। ठीक है ना, तो ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। पहले दिन का क्या होगा? अब देखो, दूसरे दिन पोंगल त्योहार मनाते हैं, दूसरे दिन पोंगल त्योहार मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? पोंगल त्योहार मनाते हैं,
सजाते हैं, आंगन में अंगीठी जलाकर पोंगल पकाया जाता है। पोंगल पकाया जाता है। आप और भी ज्यादा पढ़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नई फसल से तैयार जो जो धान है उस धान को गन्ने के रस में पकाकर पोंगल तैयार किया जाता है। ठीक है, और कौन कौन से काम होते हैं? आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल लगाया जाता है। इतना ही क्लियर हुआ आपका। फिर तीसरा इसमें है, तीसरे दिन मट्टू पोंगल त्योहार मनाया जाता है। मट्टू पोंगल त्योहार मनाया जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें मनाया जाता है, इस दिन बैलों और गायों की गायों को सजाया जाता है, सजाया जाता है और शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन क्या होता है? चौथे दिन कानून पोंगल होता है। चौथे दिन कानू पोंगल त्योहार होता है या मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? खाना बांधकर पूरा परिवार बांधकर या ना अपने साथ लेकर खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं और आसपास के स्थान देखने के लिए
स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। चल पड़ते थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन जैसा कि प्रश्न में ही पूछा है कि किस तरह से क्रियाकलाप के सहित बताना है, तो हमें क्रियाकलाप के सहित ही इसको शो करना है, दिखाना है, ठीक है ना। तो अब आप इसे लिख लीजिए समझते हुए और प्रश्न नंबर 11 देखिए, लिख लीजिए आराम से, समझ के लिखना, इसको रटने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपको समझ में आना चाहिए पोंगल के चार त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, उनके दिन क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, इतना ही बताना है। प्रश्न नंबर 11, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस बात को सिद्ध करने के लिए दो उदाहरण दो। भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान समझते हो ना, जिस देश में 70% जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर हो, आधारित हो, उसी से उसका जीवन यापन चले, उसको बोलते हैं कृषि प्रधान देश में। क्योंकि भारत में हमेशा से ही किसान रहे हैं, कृषि रही है, और इसी कारण से आज भी भारत कृषि प्रधान देश ही कहलाता है, ठीक है ना। तो जिस देश की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर निर्भर हो वो कृषि प्रधान देश कहलाता है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए हम दो उदाहरण देंगे, आप प्रश्न नंबर 1 का गे लिखिए और उत्तर लिखिए, समझ में आ रहा है। भारत में कृषि सबसे मुख्य, सबसे मुख्य व्यवसाय, व्यवसाय मतलब होता है धंधा, धंधा। अगे मैंने जो चिन्ह बनाया है किसका है, इस शब्द का अर्थ व्यक्त करने के लिए, जो हमने ग्राम चिन्ह बने थे ना कोष्ठक चिन्ह, जब समान शब्द का कोई अर्थ बताया जाए तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कोष्ठक चिन्ह व्यवसाय का अर्थ है धंधा। तो आपको बात समझ में आ जाए, आप किसी को अपनी बात समझाना चाहे तो हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करें। तो भारत में कृषि सबसे मुख्य व्यवसाय है, व्यापार व्यवसाय ना, व्यापार बिजनेस, यह व्यवसाय के साथ साथ, यह व्यवसाय के साथ साथ उल्लास और त्योहार मनाने का भी साधन है। ये जो कृषि है इसी से ही हमारे भारत में त्योहार मनाए जाते हैं, ये बात तो पता है ना, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, किसान के पास जब फसल तैयार हो जाती है तो वो खुशी मनाता है, तो खुशी मनाने के लिए त्योहार मनाया जाता है। इस तरह से त्योहार उत्पन्न होता है, त्योहार की भूमिका बनती है। तो ये व्यवसाय के साथ साथ उल्लास और त्योहार मनाने का भी साधन है, मतलब तरीका है। पूरे भारत में, पूरे भारत में फसलों के पकने पर, फसल की पूरी तरह तैयार होने पर, पकना मतलब पूरी तरह से तैयार होना, फसलों के पकने पर उत्सव, अब उत्सव का क्या अर्थ है, हम फिर ब्रैकेट लगा लिख सकते हैं, पर्व त्योहार उत्सव मनाया जाता है, खुशियां उत्सव मनाया जाता है। आगे कृषि प्रधान देश है, अब पूछा है तुम्हें इस बात को सिद्ध करने के लिए दो उदाहरण दो। तो आप लिखो, जहां पंजाब में, जहां
पंजाब में फसल पकने पर लोहड़ी त्योहार का नाम है ना, इसको सिंगल इंटरप्रेट कहोगे। लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है जहां पंजाब में फसल पकने पर लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। वहीं नई फसल के पकने पर तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। पोंगल मनाया जाता है। क्लियर है, समझ आया? दो उदाहरण हुए, जैसे एक ही समय पर कौन सा, पौष महीने में आया ना, पौष मास में, तो पौष मास में जहां तमिलनाडु में धान की फसल तैयार होने पर, चावल की फसल तैयार होने पर पोंगल का त्योहार मनाया जाता है, ठीक वैसे ही पंजाब में उसी पौष महीने के आरंभ में आपका पोंगल जिस दिन मनाया जाता है उस दिन एक दिन पहले लोहड़ी मनाया जाता है, और वहां पर चावल तो तैयार होता नहीं है, वहां क्या तैयार होता है, मक्का तैयार होता है। तो मक्के को खील के रूप में, आपको पता है ना, वो लोग सारे पंजाब के लोग वहां पर लकड़ी इकट्ठा करते हैं, लकड़ी को अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और जो चावल की जो खीर होती है उसका भोग लगाते हैं, गुड़ तिल के रेवड़ियां बनाते हैं, और जो मक्के की खीर होती है उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं, चनों को खाते हैं, इस तरह से परिक्रमा, मूंगफली खाते हैं, सब शरीर को गर्मी देने वाले पदार्थ है, इस तरह से वहां के लोग ठंड से अपने आप को बचाने के लिए वो सब काम करते हैं, और आहुति में डालते हैं, जो आग लगाते हैं ना, मैंने भी आपको बताया यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कुछ चीज डालते हैं, तो पोंगल तो अपने आप जाता है, और ये लोग उस मक्के को जो कि तैयार होती है नई फसल उसको अग्नि में डालते तो उससे कॉर्न तैयार होता है, पॉपकॉर्न खाते ना आप लोग, वैसा ही कॉर्न निकलता है, उसी को प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित करते और खुद खाते, तो इस तरह से लोहड़ी मनाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए इसका, तुम्हारी पसंद, तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो अब होने को तो आपका ही प्रश्न है, लेकिन मैं लिखा देती हूँ, आप लिखिए आपके प्रदेश में, प्रदेश मतलब राज्य में, जिस राज्य में, स्टेट में हम रहते हैं उसके बारे में पूछा है, तो आपके प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है और सबसे ज्यादा आपको कौन सा त्योहार पसंद आता है, तो हम पूरे भारत देश के बारे में भी लिख लेते हैं, एक एक राज्य के बजाय पूरे भारत में कौन सा त्योहार है जो सभी जगह मनाया जाता है, सभी जगह हर जगह मनाया जाता है, और कौन सा त्योहार है जिसे सभी जगह सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस तरह से हम भारत के बारे में लिखेंगे। तो लिखिए आप प्रश्न नंबर 2, डायरेक्ट आंसर है, कैसे है, डायरेक्ट है प्रश्न नंबर 2, उत्तर लिखिए, हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में होली, दिवाली, देखो यदि दिवाली लिखना कर सकते हैं और दीपावली लिखना कर सकते हैं, ठीक है ना, दिवाली है, दीवाली नहीं होता, दीपावली होता है, दीप की अगली है ना पंक्तियां, दिवाली हमारे देश में, होली, दिवाली, दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ईद,
कौन मेन मेन है, हर जगह मनाए जाते हैं। ईद आदि बड़े 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 ग्रुप में जो मनाए जाते हैं, बड़े धूमधाम से, बड़े धूमधाम यानी जोर शोर के साथ धूमधाम से मनाए जाते हैं, धूमधाम से मनाए जाते हैं। आपने बताया आपने कौन कौन से त्योहार मनाए थे, अब इनमें आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है तो लिखो। इन सब त्योहारों में, इन सब त्योहारों में, इन सब त्योहारों में मुझे होली, मुझे होली का त्योहार सबसे अधिक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है, अधिक पसंद है एक ही बात है ना, सबसे ज्यादा पसंद है, अधिक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि इस दिन सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और शत्रुता को भुलाकर, दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते, मिठाई खिलाते। यही एकमात्र ऐसा त्योहार है कि लोग अपने मन में आई खटास को, अपने मन में आए भय भाव को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, इसलिए तो भी मनाया जाता है। मुझे सबसे अधिक पसंद है क्योंकि क्योंकि इस दिन, किस दिन, होली के दिन, क्योंकि इस दिन सब लोग आपस में, क्योंकि इस दिन सब लोग आपस में, आपस में बैर भाव भूलकर, बैर भाव भूलकर, बैर यानी दोष, जो आपके अंदर जो कमियां हैं, सामने वाले के अंदर से जो कमियां हैं, आपके अंदर जो कमी है, उन सबको इग्नोर करते थे, बैर भाव भूलकर, आपस में बैर भाव भूलकर, गले मिलकर, गले मिलकर एक दूसरे को, एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, इसलिए यह त्योहार मुझे सबसे अच्छा लगता है। समझ में आया? अब देखिए प्रश्न नंबर 3, खेती बाड़ी। पाठ में खेती से जुड़े अनेक शब्द आए हैं, तुम खेती या बागवानी से जुड़े और कुछ औजारों के नाम बताओ। आपको समझ में आया खेती बाड़ी में समझ आया? खेती, खेती मतलब फसल, बाड़ी मतलब जब हम कोई बहुत बड़ा खेत लगाते हैं तो खेत लगाने के लिए जो फसल तैयार करते हैं तो फसल को बांधने के लिए चारों तरफ से बाउंड्री की जाती है, मिट्टी की थोड़ी थोड़ी सी, इतनी बड़ी करते ना, उसको बोलते हैं बाड़ी। वैसे तो बाड़ी का अर्थ होता है छोटा बगीचा, जो छोटा गार्डन होता है उसको भी बाड़ी कहते हैं, लेकिन खेती बाड़ी के साथ यदि आता है तो खेत में जो हम बॉर्डर लगाते हैं जिससे हम जब खेत को सींचते हैं, फसल के अंदर पानी डालते हैं, तो वह पानी इधर उधर ना जाकर उस खेत के अंदर रहे, उस फसल के पास रहे, इसीलिए उसको बांधा जाता है। और एक फसल से दूसरी फसल मिली नहीं, अलग अलग फसल लगाई गई एक जगह तो मिलती नहीं है, और उस मेड़ पर, उस बाड़ी के ऊपर, उस मेड़ के ऊपर हम चल सकते हैं, इसलिए उसको मेड़ कहते हैं, बाड़ी कहते हैं। वैसे बाड़ी का मूल अर्थ बगीचा होता है, छोटा गार्डन, बाग बगीचा खेती बाड़ी शब्द है, ठीक है ना। तो आप, हम खेती बाड़ी से जुड़े प्रश्न को लिखेंगे, प्रश्न नंबर 3। इसका भी क्या कह रही है, डायरेक्ट प्रश्न है। तो खेती बाड़ी में कौन कौन से औजार, औजार मतलब होते हैं कौन कौन से साधन आप काम में लेते हैं। पहले के लोगों के पास तो बहुत साधन हुआ नहीं करते थे, अभी तो आधुनिकता के चलते और पूरे विश्व के एक हो जाने के कारण अनेक बड़ी बड़ी कंपनियां सभी जगह अपने अपने सामान बेचती हैं,
और इस कारण से पूरा विश्व भूमंडलीकरण हो गया है। भूमंडलीकरण मतलब पूरा विश्व परिवार की तरह हो गया। तो इसलिए दूसरे देशों में भारत से बने हुए और भारत में दूसरे देशों से बने हुए सामान आते हैं। तो इस तरह से भारत कृषि प्रधान होने के कारण भारत में कृषि के लिए अनेक नए नए आधुनिक उपकरणों को काम में लिया जाना है। उपकरण यानी कि यंत्र, उपकरण मतलब होते हैं औजार, ठीक है ना। तो कौन कौन से औजार, ज्यादातर औजार कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, हम इसके बारे में लिखेंगे। आप लिखिए प्रश्न नंबर 3 उत्तर, लिखिए पाठ में खेती से जुड़े अनेक शब्द आए, तो खेती और बागवानी से जुड़े कुछ औजार होंगे। मान खेती बाड़ी, आप यहां पर बाड़ी का पूरा अर्थ यदि बगीचे से लगाते हैं तो खेती यानी फसल और बाड़ी यानी गार्डन। तो खेत तो बड़े होते हैं, फील्ड तो बड़े होते हैं, बाड़ी छोटे थे, तो इसीलिए खेती को हम बोलते हैं खेतीहर, जो खेती करता है। और बाग, जो बाग होता है, जो बगीचा होता है, उसको जो काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं बागवान। बागवान मतलब होता है जो खेत, जो बाग की, जो बगीचे की रक्षा करे। तो ऐसे खेती हुई खेत के साथ, तो बागी बाग के साथ होता है बागवानी, ठीक है। खेती बाड़ी के लिए निम्न औजारों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग, प्रयोग या ना उपयोग में लेना, काम में लेना, प्रयोग किया जाता है। डैश कौन कौन सी चीजें, हल जो लकड़ी का होता है, ठीक है। अभी हल ट्रैक्टर में लगा हुआ होता है, पहले तो हल लकड़ी का होता था ना, आपको याद है सीता कहाँ से मिली थी, सीता जानते हो ना, रामायण, रामायण में सीता का भाव है ना, सीता राम की जो विषय है, सीता माता बोलते हैं, पर उस सीता कैसे मिली, एक खेत के अंदर जब जनक जी ना उस खेत को, क्योंकि कोई भी राजा होता है जब अपने नई फसल तैयार करने के लिए आते हैं तो राजा लोग जाकर वहां पर खेती को जो हल होता है उसको चलाते हैं, शगुन होता है, जिससे कि खेती अच्छी हो, ऐसा हर देश के नियम होते थे। तो ऐसे ही जनकपुर का एक नियम था, उसमें राजा जनक गए और उन्होंने थोड़ा सा ही खेत जोता कि एक बड़े सा संदूक उनकी जो हल चला रहे थे लकड़ी का, तो अटका, तो अटका तो समझ में आया, तो कोई पत्थर है, खोदा गया तो उसमें बॉक्स निकला और बॉक्स में एक कन्या निकली, लड़की निकली, जिसको सीता बोला गया। क्यों, क्योंकि जो हल होता है ना, हल, उस हल की जो नोक होती है त्रिकोणी वाली, जिससे खेत जोतते उसको बोलते हैं सीत, इसीलिए उनका नाम सीता है, सीत से उत्पन्न हुई है, किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई, प्रकट हुई है वो, इसलिए उनका नाम सीता है। जानकी उनका नाम इसलिए क्योंकि जनक की बेटी है। तो कोई भी राजा की जो बेटी होती थी या राजा के जो पुत्र होते अपने माँ अपने पिता के नाम से जाने जाते थे, तो जानकी इसलिए बोलते, ठीक है। बेदही भी एक नाम है, बेदही का मतलब होता है बेदे, जो उनका जो देश था उसका नाम था बेदे है, तो विदेह देश की राजकुमारी, इसलिए बेदही था, ठीक है। तो इस तरह से हल सबसे पहले काम में लिया जाता है। फिर आता है फावड़ा, फावड़ा जानते ना, फावड़ा। फिर खुरपी, खुरपी क्या काम आती है, खुरपी जो खरपतवार होती है उसके हटाने के काम आती है, इसका नाम खुर, खुर यानी उसका जो नुकीला चीज है वो हटाने के काम आता है। खरपतवार यानी जो फसल के अंदर जो घास फूस उग जाते हैं, जो कि बेकार होते हैं, जिसे निकालना आवश्यक होता है, नहीं तो क्या होता है, वो खरपतवार की जो जड़ है वो फसल के पास पानी नहीं जाने देती, खुद पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए किसानों को देखा ना, छोटा सा खुरपी लेकर अपने अपने खेतों में बुवाई गुड़ाई करते रहते हैं, जिससे कि खरपतवार हटाए। मैंने आपको पढ़ाया था इसी चैप्टर में खरपतवार का ना, खुरपी। एक होती है गेती, गेती देखो एक ऐसे लंबा सा लोहे का होता है, बीच में रहता है, उससे जमीन को खोदा जाता है, जमीन को सॉफ्ट किया जाता है, जिससे कि जमीन उपड़ जाए, उखड़ जाए और उसमें बीजों को बोया जा सके, गेती। और होता है तसला, तसला का मतलब
इधर उधर शिफ्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसको बोलते हैं तस्ना। और ट्रैक्टर, ट्रैक्टर होता है ना आजकल तो सब आधुनिक चीज हो गई है, तो ट्रैक्टर आता है, तो ट्रैक्टर में ही पीछे हल लगा हुआ आता है, ट्रैक्टर चलता है और पूरी खेती अपने आप जुत जाती है। ऐसे अनेक आदि क्रियाएं बहुत सारे ऐसे अनेकों नेक आज जो जनरेशन है उसमें अनेक अनेक कृषि के अनेक उपकरण आ गए आदि लिखने से समझ में आता है। समझ में आ गया आपको? प्रश्न नंबर 4 रंगोली। प्रश्न नंबर क, पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं, रंगोली बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, सूची बनाओ। इसका मतलब है आपके घर आंगन में जो रंगोली बनाई जाती है उस रंगोली के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन चीजों से रंगोली बनाई जा सकती है। तो प्रश्न नंबर 4 के उत्तर, सूची का मतलब होता है लिस्ट बनाना, ठीक है ना। तो आप सूची बनाएंगे हम कौन कौन सी चीजों से रंगोली बनाई जा सकती है, तो आप देखो रंगोली बनाने के लिए, रंगोली बनाने के लिए निम्न यानी नीचे है ना, निम्न चीजों की जरूरत पड़ती है, निम्न लिखित भी ले सकते हैं, नीचे लिख कोई निम्न भी लिख सकते हैं, निम्न चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीजें हैं, पड़ती हैं। डैश, ठीक है, नंबर 1, 2, 3 डाल दिया। नंबर 1 चावल को हम कलर करके रंगोली डाल सकते हैं ना, उसको लाल भी कर सकते हैं, पीला कर सकते हैं, हरा कर सकते हैं, उन चावल को थोड़े से पानी के साथ कलर मिलाकर उसको कलर करके भी रंगोली बनाई जाती है, चावल से बना सकते हैं। ऐसे ही आटे से बनाया जा सकता है, आटे में आप हल्दी डाल दो येलो कलर की हो जाएगी, आटे में आप कोई दूसरा कलर डाल दो उसी कलर की हो जाएगी, आटे से रंगोली बनाया जा सकता है। जो आप रंग काम में लेते हैं मिट्टी वाला, उस रंग से उसको रंग ही बोल दो, चाहे मिट्टी मिट्टी है एक्चुअली वो बजरी होता है, मिट्टी नहीं होता, मिट्टी तो हाथ से खिसकती नहीं है, बजरी होती है, बजरी मतलब होता है छोटा सा बारीक मिट्टी से पहले का पीस होता है, ठीक है। और चौथा होता है लकड़ी का बुरादा, कई लोग लकड़ी के बुरादों से भी बुरादा समझते हैं, लकड़ी का बुरादा मतलब होता है जब लकड़ी को बारीक पीस किए जाए, तो वो भी आपको जैसे आप रंगोली डालते हैं उसी रंगोली के फॉर्म में मिलती है और उससे भी आप रंगोली डाल सकते हैं। पांचवी चीज है दाल, दालों से भी आप रंगोली डाल सकते हैं। छठी चीज है सब्जियों से भी हम रंगोली बना सकते हैं, ठीक है ना। अनेक अनेक चीज होती है जिनसे रंगोलियां बनाई जा सकती है, क्लियर। प्रश्न नंबर 4 का, नीचे दी गई जगह में रंगोली का कोई डिजाइन बनाओ। अब आप लोग क्या करेंगे, ये अपने आप से लिखेंगे, प्रश्न नंबर 6 डालेंगे रंगोली का डिजाइन, और अपने अपने नोटबुक में अपने अपने हिसाब से जैसी रंगोली आपको पसंद है वैसी ही रंगोली आप डिजाइन करेंगे, उसको कलर करेंगे, ठीक है ना। बॉयज गर्ल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको रंगोली बनानी है। देखो आपको रंगोली खुद बनानी है, किसी के लिए आप डिजाइन नहीं बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे और खुद ही उसे भरेंगे। ये आपकी एक्टिविटी नंबर नेक्स्ट रहेगी, एक्टिविटी में रहेगा आपके, इसलिए उसको जहां कंटिन्यूस करो, कंटिन्यूस करते हुए ही आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 6 के बाद रंगोली बनाइए और एरो बना देना और यहां पर आप रंगोली बनाओ, क्लियर। अपने अपने डिजाइन से अपने अपने तरीके से रंगोली बना देना और उसमें रंग की भरना। आपको सब्जी की बनानी है तो आप सब्जी की डिजाइन बना सकते हो, आपको कलर की डिजाइन बनानी है कलर की बना सकते हो, दाल की बनाना दाल का डिजाइन बनाओ, अपनी इच्छा से जैसे भी आपको रंगोली बनानी है बना लीजिए। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है, पाठ में ऐसी अनेक चीजों के नाम आए हैं जिन्हें खाने पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताओ इनका प्रयोग किन किन पकवानों में होता है। जैसे पाठ में अनेक चीजें हैं, चावल आया, हल्दी, गुड़, हल्दी का पत्ता पता है, हल्दी का पत्ता बांधा जाता है, गुड़ का नाम आया, गन्ने का नाम आया, दूध का नाम आया, इनसे और क्या क्या पकवान
पकवान बनाए जा सकते हैं, व्यंजन, ठीक है ना। तो आप लिखिए खाना पीना, प्रश्न नंबर 5। क्या लिखिए इसका, क्या में दिया है चावल, चावल से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, आप एरो बनाकर इसका आंसर लिखिए। चावल से हम खीर बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, खीर में चावल डालता है। खिचड़ी बना सकते हैं, दाल के साथ मिक्स करके बनाते हैं। पुलाव बना सकते हैं, कोई भी पुलाव, अनेकों नाम होते पुलाव के। बिरयानी बना सकते हैं, और भात, सिंपल भात जो पक जाता है, मैंने आपको बता दिया ना भात, धान और चावल में क्या अंतर है, भात पकाया जाता है। दूसरा है इसमें 6 नंबर पर हल्दी, एक लाइन छोड़ दीजिए, 6 नंबर लिखिए हल्दी, और हल्दी से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, एरो बनाकर लिखिए। हल्दी से सब्जी बनती है, बनती है ना, कच्ची हल्दी का अचार भी बनता है, जो उसका दाल जाते हैं उसका। हल्दी चावल में भी कई जगह काम में ली जाती है, हल्दी खिचड़ी में भी काम में ली जा सकती है, हल्दी दाल में भी डालते हैं, और हल्दी से अचार भी बनता है, पिकल, ठीक है ना। नेक्स्ट है गेट, गेहूं है गुड़, गुड़ से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, देखिए लिखिए आप गुड़ से। सबसे पहले गुड़ से पट्टी, गजक पट्टी समझते क्या, तिल के साथ मिलाकर, तिल जानते हैं, तिल को गुड़ के साथ मिलाकर उसको एकदम पतली पतली, जैसे कि आपकी रोटियां होती है चपाती होती है, वैसा ही उनको बेला जाता है, और बेलकर उनको तिल पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो वो आपको राजस्थान के सबसे ज्यादा फेमस है ब्यावर की पट्टी, ब्यावर की तिल पट्टी बहुत फेमस है, शायद पूरे अपने भारत में फेमस है, उस तरह की पट्टियां बनाई जाती है। या तिल पट्टी को हम जैसे आपका जो मूंगफली दाना होता है, उस मूंगफली दाने को गुड़ के साथ मिलाकर उसकी लेयर बनाते हैं, आपने खाई है मार्केट में, उसको पैक ऐसे चौकोर चौकोर स्लाइस में, गोल स्लाइस में कटिंग की जाती है, इस तरह से पट्टी का निर्माण होता है। दूसरा है गुड़ के चीज बनती है गजक, गजक क्या होती है, जो तिल होता है उसमें गुड़ को रखकर कूटा जाता है, और कूट कूट कर उस तिल को और गुड़ को एकदम सॉफ्ट कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, और उस मिक्सचर से फिर गजकों का निर्माण होता है। और मिठाई भी, कोई भी मिठाई में गुड़ का भी प्रयोग किया जाता है, कई मिठाइयां खीर वगैरह सब में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मक्का, मक्का से रोटी का निर्माण होता है, रोटी बनाई जाती है मक्के से, ठीक है, रोटी समझते ना, और मक्के से पॉपकॉर्न जो आप खाते हैं मार्केट में वो भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है अण, अण में है गन्ना, गन्ना से क्या क्या चीज बनाई जा सकती है, गन्ना से, गन्ने से गुड़ बनता है, ठीक है, गन्ने से चीनी बनती है, गन्ने का रस भी पीने के काम आते हैं, इसे रसावल बोलते हैं उसको हिंदी में, रसावल। आप कंटिन्यूस करो, मैं इधर लिख देती हूँ आपको, आने के बाद चेहरे लिखिए आप दूध, दूध से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती है, दूध से पनीर बनाया जा सकता है, दूध से दही बनाया जा सकता है, दूध से खीर बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है ना, दूध से चाय बनाई जा सकती है, और दूध से कोई भी मिठाई, खोआ बनाया जा सकता है, खोआ जाता है ना, मावा, मावा जो खोआ, मावा, खोआ या मावा बनाया जाता है, तो इस तरह से मिठाई बनाई जाती है। नेक्स्ट 6 में लिखिए आप तिल, तिल से क्या क्या चीज बनाई जाती है, तिल से लिखिए आप
साथ मिलाकर। तिल से रेवड़ी बनती है, तिल से गजक बनती है, इस तरह से तिल से अनेक चीजों का निर्माण किया जाता है। समझ में आया? आपका लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है, हो गया ना। अब आप लोग जो आपको एक्टिविटी है इसके अंदर, आप उस एक्टिविटी को लिखेंगे और फिर आपकी क्रियाकलाप नंबर नेक्स्ट सेविंग फाइनेंशियल, इस तरह से अपना काम कंप्लीट कर लेना सर। इस चीज का विशेष ध्यान रखा करो कि आपके ये जो रेड कॉलम है ना, यहीं से शब्दों को लिखा करो, जगह छोड़कर नहीं, और ऊपर के रेड कॉलम को छोड़ दिया करो हर बार, और नीचे सिर्फ सिंगल लाइन छोड़ा करो, ज्यादा लाइन नहीं, ठीक है ना। अब आप इनके पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, समझते हुए, रटते हुए नहीं, समझकर आप लिखेंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन आंसर में दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।